हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे के एक प्रोग्राम के बारे में, जो प्रोग्राम ये कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ मैट्रिक्स इज जीरो या नल मैट्रिक्स और नॉट। मतलब आपको ये चेक करना है कि कोई दिया गया मैट्रिक्स या तो जीरो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ये हमारा आज का इशू कि हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए, एनी मैट्रिक्स, एंड वी हैव टू चेक वेदर दैट इज जीरो और नल मैट्रिक्स और नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें चेक करना है कि कोई दिया गया मैट्रिक्स जीरो और नल मैट्रिक्स है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जीरो और नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, विच मैट्रिक्स इज रेफर टू एज जीरो और नल मैट्रिक्स। तो कोई भी आप मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है, और उस मैट्रिक्स में आपको ये मेक श्योर करना है कि सारे के सारे एलिमेंट जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। यानी कि कोई भी आपने एक मैट्रिक्स लिया, अगर उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो वो क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। और जीरो मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स को ही हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो मतलब अगर इसकी इंडेक्सिंग 0, 1, 2 है, इसके इंडेक्सिंग 0, 1, 2 है और यहां पे भी जीरो है, हर वैल्यू यानी कि हर एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज व्हाट, जीरो, देन इट इज कॉल्ड वाज जीरो और नल मैट्रिक्स हम इसे कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो जीरो का जीरो, जीरो का वन, जीरो का टू, ठीक है, वन का जीरो, वन का वन, वन का टू, ठीक है, टू का जीरो, टू का वन और टू का टू। यानी कि सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स, हम कह सकते हैं ना कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी जीरो, शुड नॉट कह सकते, मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, और तभी ये क्या होगा, मस्ट बी जीरो, देन ऑनली इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, या तो इसको हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स या तो फिर इसको क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। यही होता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, मैंने बताया था ना इसका लॉजिक सोचने का तरीका क्या होता है। इसके लॉजिक सोचने का तरीका सिंपली सा, सिंपल सा ये है कि हम चेक करेंगे कि हर जगह रखा हुआ वैल्यू जीरो होना चाहिए। नहीं, ये हम नहीं चेक करेंगे, हम उल्टा चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, हम जस्ट अपोजिट चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे कि अगर a ऑफ i ऑफ j में रखा हुआ वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो होना चाहिए, तो अगर a ऑफ i ऑफ j में रखा हुआ वैल्यू जीरो नहीं है तो हम कहेंगे कि नहीं, ये नल मैट्रिक्स नहीं, क्योंकि जीरो होना चाहिए, हर जगह जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं प्रोग्राम लिखना शुरू करूं तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहला लाइन हमारा क्या होगा, सबसे पहला लाइन हमारा हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, फिर उसके नीचे int main, ओके ना, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, int main के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का, मान लीजिए हम एक a नाम का मैट्रिक्स लेते हैं, उसका देते हैं हम क्या 3x3 का एक i लेते हैं लूप चलाने के लिए और एक j लेते हैं लूप चलाने के लिए। अब लूप लगा के हम एंट्री लेंगे, तो फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3 और क्या i प्लस प्लस, और फिर हम यहाँ क्या करेंगे, फिर इसके नीचे j का लूप लगाएंगे। ये आपको पता है, ये मैट्रिक्स की इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं हम j प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो करेंगे क्या, printf/n एंटर नंबर, यानी कि हम क्या मांगेंगे यूजर से, हम नंबर मांगेंगे, आप नंबर दीजिए, और जो भी नंबर यूजर देगा उसको कहां रीड कर लेंगे, scanf, यानी scanf से रीड कर लेंगे। वैल्यू क्या है, इंटीजर है, तो %d, % a of i of j में क्या हो गया, रीड हो गया, और ये हो गया हमारा रीडिंग ऑफ व्हाट, मैट्रिक्स। तो आपको पता है ये हमेशा जो होता है हमारा क्या होता है, इट इज ऑलवेज आवर इनपुट, यानी कि हमेशा जो है ये हमारा इनपुट होता है। तो मतलब हमारा मैट्रिक्स तैयार हो चुका है। अब हम यूजुअली क्या करते हैं, मैट्रिक्स हमने इनपुट ले लिया तो हम मैट्रिक्स को शो भी कर देते हैं, भैया ये रहा आपका मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स आपने इनपुट किया था, तो हम यहां शो कर देते हैं। पहले हमें क्या मैसेज देते हैं, printf your the 2d matrix is, यानी कि टू डायमेंशनल मैट्रिक्स जो है वो आपका कौन सा है। तो ये भी आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसको प्रिंट करने का तरीका होता है, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, ठीक है, i प्लस प्लस, इसके अंदर आते हैं, ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं यहां पे, फिर फॉर का रूप लगाते हैं, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 और क्या, j प्लस प्लस, और यहां पे हम क्या करते हैं, printf % d और फिर स्लैश t देते हैं और फिर किसको प्रिंट कर देते हैं, a ऑफ i ऑफ j को प्रिंट कर देते हैं, और यहां पे हम क्या देते हैं, printf /n, ताकि हर बार नए लाइन में, हर रो के लिए नया लाइन आ जाए। और ये क्या होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑलवेज आवर आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट तो आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स को कैसे हम इनपुट करते हैं, कैसे आउटपुट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में देख चुके हैं कि ये मैट्रिक्स का इनपुट होता है और ये मेरा मैट्रिक्स का आउटपुट होता है। अब इसको अगर समझाओ तो मतलब क्या है कि फिर हर प्रोग्राम में समझाने की जरूरत नहीं है, हर चीज सिक्वेंसली मैंने समझाई है। तो ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोज में आपने देखा होगा कि मैंने ये भी समझाया कि ये इनपुट कैसे काम करता है, फिर ये समझाया होगा ये आउटपुट कैसे काम करता है। हमारा मेजर क्या है यहाँ पे, अगर चलिए एक मिनट लेकर मैं समझा भी दूं, तो आई जीरो पे है लेस देन 3, तो देखिए i 0 पे है लेस देन 3 तक जाएगा, ठीक है, लेस देन 3 है, हाँ जी है, j 0 पे है, हाँ जी है, ठीक है,
लेस देन 3 है, हाँ जी है, तो मतलब एंटर नंबर बोलेगा और जो भी वैल्यू होगी आई ऑफ जे में तो जीरो ऑफ जीरो में, यानी यहाँ पे यही है ना, ये वाले में वैल्यू आ जाएगी। अब ये लूप है तो पहले नीचे वाला लूप चलता है, वो बताया था मैंने, क्योंकि ये नेस्टेड लूप का एग्जांपल है। दिस इज व्हाट नेस्टेड लूप, जब लूप के अंदर लूप होता है तो ये क्या होता है, नेस्टेड लूप होता है। तो क्या हुआ, जे बढ़ गया, जे कितना हो गया, वन हो गया, फिर चेक किया वन इज लेस देन थ्री है, हाँ जी है, फिर से नंबर पूछा आई ऑफ जे, ए ऑफ आई ऑफ जे, तो ए ऑफ जीरो ऑफ वन, तो जीरो ऑफ वन क्या ये है ना, इसमें वैल्यू एंट्री कर लेगा क्योंकि स्कैन कर रहा है। फिर से ऊपर गया, जे को बढ़ाया, जे कितना हो गया, टू हो गया, टू इज लेस देन थ्री है, हाँ जी है, तो फिर क्या करेगा, एंटर नंबर आई ऑफ जे, तो जीरो ऑफ टू, तो जीरो ऑफ टू ये है ना, इसमें वैल्यू आ गया। तो देख रहे हैं एक एक करके तीनों में वैल्यू आ गई। अब जब फिर से ऊपर जाएगा और जे को बढ़ाएगा तो जे हो जाएगा थ्री, और ये चेक करेगा कि जे इज लेस देन थ्री है, थ्री इज लेस देन थ्री है, नहीं, लूप टर्मिनेट, लूप टर्मिनेट, तो फिर से ऊपर गया, ऊपर गया, अब आई को बढ़ाया, क्योंकि जब चाइल्ड लूप टर्मिनेट होता है तो वो कहां जाता है, कंट्रोल जाता है फिर से अपने पेरेंट लूप पे, आई को बढ़ाया जाता है, कितना हो गया, टू हो गया, टू इज लेस देन थ्री है, बिल्कुल सही है, फिर से एंट्री किया, फिर से जे क्या होगा, जीरो होगा, फिर से जे क्या होगा, वन होगा, फिर से जे क्या होगा, टू होगा। तो हम यूं समझ सकते हैं ना कि जे जीरो से लेकर थ्री तक चलेगा, नहीं थ्री नहीं, थ्री से एक पहले तक, यानी टू तक चलेगा, तो जीरो वन टू के लिए चलेगा। तो जब पहली बार चलेगा तो टू के, सॉरी मैंने टू क्यों कर दिया, जीरो से क्या होगा, ये वन होगा ना, जीरो से ये क्या होगा, वन होगा, आई की वैल्यू जीरो जीरो थी और जीरो से बढ़कर क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो जब उसके बाद रीड होगा तो पहली वैल्यू कहां रीड होगा, वन के जीरो में, यहां रीड होगा, उसके बाद वन के वन में, यहां रीड होगा, उसके बाद वन के टू में, यहां रीड होगा, उसके बाद जे जैसे ही थ्री हो जाएगा फिर से टर्मिनेट होगा, फिर से कंट्रोल ऊपर जाएगा, आई में कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू इज लेस देन थ्री है, हाँ जी, फिर से जे जो कुछ भी था क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो से लेके लेस देन थ्री तक यानी टू तक जाएगा और एक से बढ़ते, यानी जीरो वन टू, यानी ये जो पूरी बॉडी है ये जे लूप की वजह से जीरो के लिए चलेगी, वन के लिए चलेगी, टू के लिए चलेगी। तो जब जीरो के लिए चलेगी इंटर नंबर आई ऑफ जे क्या हो जाएगा, टू ऑफ जीरो, देखिए इसमें आ गया वैल्यू, फिर से अगली बार टू ऑफ वन, इसमें आ गया वैल्यू, फिर इसमें आई टू ऑफ टू, इसमें आ गया वैल्यू, बिल्कुल आ गया। तो अब ये मेरी एंट्री हो गई, हाँ जी हो गई। तो मेरा जब अब ये ऊपर जाएगा तो आई जब बढ़ेगा तो तीन हो जाएगा, और तीन तीन से छोटा है, नहीं ये लूप टर्मिनेट, तो ये इनपुट है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये दो लूप ऐसे लूप है जो हर बार, यानी कि ऐसा लूप है जो हर बार हमको एक एक एलिमेंट पे ले जाता है, पहले इस पे लेके जाएगा, फिर इस पे लेके जाएगा, फिर इस पे लेके जाएगा, फिर इस पे, हर बार एक एक करके सारे एलिमेंट पे लेके जाएगा। मेरे समझाने का मकसद भी यही था कि आपको ये पता चल जाए कि यही वो एलिमेंट है, यही वो लूप है जो हमें एक एक करके सारे मतलब एरे के, टू डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स पे लेके जाता है। और ये प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, वही है, सिंपली आई ऑफ जे को प्रिंट किया है हमने, ठीक है, हर बार देखिए आई का भी लूप लगाया है, जे का भी लूप लगाया है और आई ऑफ जे को प्रिंट किया है। लेकिन क्या किया है बस इसमें, कि हमने जब जे का लूप लगाया है तो पहली बार प्रिंट किया है, यानी आई जब जीरो है तो जे क्या हो जाएगा, जीरो वन टू, तो जीरो का जीरो प्रिंट किया है हमने, उसके बाद स्लैश टी दिया, यानी कि जो भी वैल्यू था प्रिंट किया, मान लीजिए पांच, स्लैश टी मतलब टैप डिस्टेंस। फिर अगली बार क्या हो जाएगा, वन, तो जीरो का वन, मान लीजिए तीन, फिर प्रिंट करने का क्या गया, स्लैश टी टैप डिस्टेंस। फिर उसके बाद क्या हो गया, जीरो का टू, मान लीजिए सेवन था सेवन, और टैप डिस्टेंस। अब ये पहला रो प्रिंट करने के बाद क्या होगा, जब ये लूप टर्मिनेट होगा, ऑब्वियसली जे जब थ्री होगा तो लूप टर्मिनेट होगा, तो उसके बाद हमें क्या करना है, अगले वाले लाइन में आना है ना, इसीलिए हमने इस लाइन के बाद ये लाइन डाल दिया स्लैश एन, ताकि कंट्रोल हमारा नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाए, आ जाए। इससे क्या फायदा होगा कि हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या होगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब फिर से ये आई का लूप चलेगा और फिर से अगला एलिमेंट, यानी हर बार देखिए इस फॉर लूप के साथ सिर्फ ये वाला अटैच है, और कोई अटैच है नहीं है, सिर्फ ये वाला अटैच है, तो सिर्फ यानी ये फॉर लूप बार बार इसके साथ चलेगा, ये इंडिपेंडेंट है तो एक बार चलेगा उसमें, फिर से ये लूप चलेगा, अगली बार अगला रो प्रिंट करके फिर से स्लैश एन, फिर अगला रो स्लैश एन, खत्म काम। तो ये इनपुट और आउटपुट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैंने एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। अब आते हैं हमारे मेजर कंसर्न पे, हमको चेक करना है कि मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो कोई भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कब होता है, जब सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें रखे हुए वो क्या हो, जीरो हो। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसमें रखे गए एलिमेंट्स जीरो नहीं है, यानी कोई भी एलिमेंट कभी भी आपने देखा उसमें जीरो नहीं है, तो आप कह देंगे वो क्या है, यूनिट सॉरी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स नहीं है। तो एक फ्लैग ले लेते हैं और फ्लैग कितना असर करते हैं, जीरो पे। इसका मतलब जीरो मतलब मैंने मान लिया शुरू में ही कि वो नहीं है, मतलब है, ठीक है। यानी फ्लैग जीरो का मतलब क्या होता है, मान लिया कि, अच्छा बेसिकली देखिए फ्लैग जरूरी नहीं कि मैं जो मान रहा हूं वही आप मानेंगे, आप कुछ भी मान सकते हैं। फ्लैग का यहां सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर फ्लैग जीरो का जीरो रह गया, ठीक है, फ्लैग जीरो का जीरो रह गया मतलब यस ये मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है।
लेकिन फ्लैग की वैल्यू अगर हमने चेंज करके 1 कर दी तो हम कहेंगे नहीं, इसकी जो है ये जो है वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो जैसे देखिए लूप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस, फिर इसके अंदर फॉर जे इक्वल टू जीरो जे लेस देन 3 और क्या जे प्लस प्लस। अब इसमें क्या चेक करेंगे कि अगर ए ऑफ आई ऑफ जे में रखा हुआ वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो जीरो नहीं है इसका मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जीरो नहीं है, अगर ये कोई भी जैसे जीरो नहीं है, नहीं है तो सारे के सारे जीरो है इसमें, तो इसमें कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो जब कभी भी ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा, फ्लैग कभी भी वन नहीं होगा और लूप टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी टाइम में जैसे मान लीजिए मैं यहां पे कर देता हूं 10 कर देता हूं, तो जब पहला एलिमेंट देखेगा तो ए ऑफ आई ऑफ जे पहला एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है ये लूप जो होता है इंडिविजुअली एक एक करके सारे एलिमेंट्स में जाता है, तो जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो जीरो के बराबर नहीं है, अरे है तो ये एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, सीधे अगला एलिमेंट आएगा 10 आएगा, 10 नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 10 तो 10 की जीरो के बराबर नहीं है, तो फ्लैग को क्या कर दिया 1 कर दिया और लूप को टर्मिनेट कर दिया। अब फ्लैग जब 1 हो गया और लूप क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, तो हम फ्लैग 1 कब किए थे, जब किसी भी एक जगह भी हमें ए ऑफ आई ऑफ जे की वैल्यू जीरो नहीं मिली थी, क्यों, क्योंकि क्या कहता है नल मैट्रिक्स, क्या कहता है हमारा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या कहता है कि हर एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो जैसे ही कहीं भी एक जगह मुझे जीरो नहीं मिला मैंने फ्लैग को 1 कर दिया, और जब ये यहां से देखिए ये इफ शुरू हुआ ये इफ खत्म हुआ ये फॉर शुरू हुआ ये फॉर खत्म हुआ, और यहां से आके हम चेक कर लेंगे कि अगर फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई है 1 हो गई है, तो 1 कब हुई बच्चा बताइए, व्हेन इट इज 1, 1 तब हुआ है जब किसी भी एक जगह हमें जीरो नहीं मिला, जबकि हमें हर जगह जीरो मिलना चाहिए था। तो अगर ये 1 हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है एक जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो नॉट अ जीरो मैट्रिक्स, नॉट अ जीरो और नल मैट्रिक्स, मतलब ये ना ही एक जीरो मैट्रिक्स है और ना ही नल मैट्रिक्स है, दोनों एक ही नाम होता है जीरो, और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन, स्लैश एन हमेशा ही लगा दीजिएगा क्योंकि न्यू लाइन के लिए ठीक रहता है, जीरो मैट्रिक्स जीरो स्लैश नल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ये तो जीरो ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहां क्या कर देंगे, रिटर्न जीरो, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, और ये प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो मतलब इनपुट आउटपुट और ये क्या है प्रोसेसिंग, ये सारा प्रोसेसिंग है, उसके बाद रिटर्न जीरो क्योंकि हमने यहां इंट में लिखा था। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैट्रिक्स इनपुट लिया, दिखा दिया कि भैया ये आपका मैट्रिक्स है, और उसके बाद हमने चेक करके ये बता दिया कि ये आपका मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स नहीं है। बस हमने एक कंडीशन लगाया कि अगर ए ऑफ आई ऑफ जे मतलब लूप लगा दिया, ये लूप हर एलिमेंट में एक करके जाएगा, और चेक कर लिया कि किसी भी इंस्टेंस में अगर ए ऑफ आई ऑफ जे की वैल्यू जीरो नहीं है, किसी भी इंस्टेंस में कोई भी एक एलिमेंट जीरो नहीं है, तो फ्लैग को 1 कर देगा। तो फ्लैग को 1 हो गया मतलब मैट्रिक्स जो है वो जीरो या नल मैट्रिक्स नहीं है। तो ये था आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम। बच्चे कहते हैं सर हट जाएगी, जरा नोट करना होता तो लीजिए, हमें हट गया, अब आपको नोट कर ही सकते हैं स्क्रीन को स्टॉप करके। ठीक है, तो ये है प्रोग्राम, चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो इसे प्रैक्टिकली भी चलिए करके देख लेते हैं, और प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है, और ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल जैसे कि आपने टू डायमेंशनल एरे का इनपुट लिया, उसके बाद उसको डिस्प्ले कर दिया, और उसके बाद आपने चेक किया कि कहीं भी अगर, यानी लूप लगा के आपने चेक किया कि कहीं भी अगर ए ऑफ आई ऑफ जे की वैल्यू जीरो नहीं है तो वो फ्लैग 1 कर देगा, और फ्लैग 1 हो गया इसका मतलब वो जीरो और नल मैट्रिक्स नहीं है, वो प्रिंट कर दिया हमने, अदरवाइज तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए जो मैंने एनवायरनमेंट यूज किया है दैट इज कोड ब्लॉक्स का एनवायरनमेंट, आप कोई दूसरा एनवायरनमेंट यूज कर सकते हैं, इट इज कंप्लीटली योर विश। और अगर हम इसे रन करना चाहें तो यहाँ पे हम बिल्ड एंड रन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही बिल्ड एंड रन पे क्लिक करेंगे 9 मार्क नंबर पूछेगा। चलिए मैं सारे के सारे पहले जीरो डाल के आपको दिखाता हूँ कि क्या ये इसको मानता है। ओह सॉरी, ये पूरा रन हो गया, वापस भी चला गया, मैं एक एक करके डालता हूँ, फिर से दोबारा से डालता हूँ। ठीक है, 0 0 ये 9 टाइम्स में 0 डाल रहा हूँ। ओके, ये देखिए अब सारे के सारे ये दिखा दिए कि टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है, और ये वैल्यू दिखा दिया और जीरो मैट्रिक्स है, इसने आपको बता दिया ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब एक चीज जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया है उसमें और यहाँ जो मैंने रन किया उसमें डिफरेंस क्या है, देखिए उसमें डिफरेंस और यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो डिफरेंस एग्जैक्टली है वो ये है कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करते समय ना, आप देखिए यहाँ पे जब मैंने ये प्रिंट किया है तो प्रिंट करते समय प्रिंट स्लैश एन मतलब ये जो प्रिंटिंग करते समय यानी टू डायमेंशन एरे को जब मैंने यहाँ शो किया है तो शो करते वक्त बस मैंने ये जो लूप लगाई है आई लूप के ठीक नीचे मैंने स्लैश एन कर दिया है, जबकि मैंने जो आपको पढ़ाया है उसमें यहाँ के बाद यानी इस लाइन के बाद स्लैश एन किया था। तो ये कुछ इश्यूज आ रहे थे, इश्यूज क्या आ रहे थे, देखिए अगर मैं इस स्लैश एन को ना यहाँ से हटा के
सपोज कीजिए मैं यहाँ से हटा के कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से हटा के, और मैंने जब वो प्रोग्राम में बताया वो यहाँ बताया कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी किया हुआ, ठीक है। सेव करके जब मैं इसको रन कर रहा था ना तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो देखिए, वो अभी आपको समझ में आ जाएगी क्या इशू आ रहा था। वो इशू ये आ रहा था कि जब मैं इसको रन कर रहा था और मान लीजिए मैंने जीरो सब कुछ दिया 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये देखिए 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स और यहाँ पे पहला लाइन आ जा रहा था, इसीलिए मतलब मैंने इसको यहाँ से हटाया और लूप शुरू होते ही मैंने कहाँ डाल दिया, इसको ऊपर डाल दिया, ताकि अगली बार से जो आए मतलब जो प्रिंट होके आए वो शुरू में ही नए लाइन पे शिफ्ट हो जाए। अब जब आप इसको रन कीजिएगा, ठीक है, सो इट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट। जैसे अब मान लीजिए मैंने तो बहुत सारे नल मैट्रिक्स एग्जाम्पल दे दिया, एक और एग्जाम्पल आपको दे दूँ जो नल मैट्रिक्स नहीं है, तो ये देखिए ये आपको मैट्रिक्स शो हो गया प्रॉपर फॉर्मेट में सही तरीके से, और इसने बता भी दिया कि इट इज नॉट नल और जीरो मैट्रिक्स। तो ये है आपका प्रोग्राम, और दोनों चीजों के लिए मैंने रन कर दिया बिल्कुल सेम वही प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको समझाया। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।